लेकिन आपको मजा आ जाएगा। तो नमस्कार मंडळी, आणि आता आपण आलेलो आहोत जयपूरच्या सिटी पॅलेसमध्ये, आणि इकडे बघू आपण गाईड घेतलेले आहेत, स्टँडर्ड रेट्स आहेत। तो बघू, देवेंद्र सिंह है, मैं यहाँ पे टूर गाइड हूँ। तो आपने आमेर फोर्ट विजिट किया, सभी ने आमेर का किला देखा। तो आमेर फोर्ट जो आपने विजिट किया वो हमारा एक प्रीवियस कैपिटल था, और जयपुर जो है वो न्यू कैपिटल है। आमेर के जो लास्ट राजा थे उनका नाम था महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड, जिन राजा ने अपना कैपिटल आमेर से जयपुर शिफ्ट करके रहने के लिए ये पैलेस बनाया, जहाँ पे आज भी जयपुर परिवार यहाँ पे रहते हैं। 7 मंजिला बना हुआ है, 7 स्टोरी मॉन्यूमेंट। आमेर से जयपुर शिफ्ट किया गया कैपिटल, और यहाँ से आमेर फोर्ट जो है अराउंड 8 किलोमीटर्स दूर है, और कम मतलब ऐसा दूर शिफ्ट नहीं किया। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि सवाई जय सिंह सेकेंड जो राजा थे वो अपनी एक प्लैंड सिटी बनाना चाहते थे। दूसरी चीज़, आमेर एक हिली रीजन था, तो वहाँ पे प्लैंड सिटी डेवलप करना बहुत मतलब होता ना, बहुत टाइम टेकन था। दूसरी चीज़, राजा को एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्वेटरी बनाना था, जंतर मंतर, तो जंतर मंतर वहाँ नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि वो सूरज पे काम करता है, तो वहाँ पे माउंटेन की वजह से कभी कभार सन हाइट भी हो जाता है, बहुत जल्दी हाइट हो जाता है या कभी। और राजा को मतलब एक वाटर का प्रॉब्लम भी वहाँ पे ज़्यादा था, तो इस वजह से कैपिटल आमेर से जयपुर शिफ्ट किया। नियर, ज़्यादा दूर शिफ्ट नहीं किया, 8 किलोमीटर ही दूर शिफ्ट किया। फिर राजा ने यहाँ पे रहने के लिए महल बनाया, चंद्र महल, जो 7 मंजिला बना हुआ है। और यहाँ पे रॉयल फ्लैग जो आप देख रहे हैं, ये इस रॉयल फ्लैग में 5 कलर्स हैं, इसे हम पंचरंगा झंडा कहते हैं। राजा मान सिंह फर्स्ट, जिन राजा ने जो है आमेर फोर्ट बनाना स्टार्ट किया, जिनकी 12 क्वींस थी, बरादरी आपने देखा होगा आमेर फोर्ट के अंदर, उन राजा ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करके 5 किंगडम्स को एक साथ वॉर में हराया। तो 5 किंगडम्स के 5 रॉयल फ्लैग को कलेक्ट करके, मर्ज करके इसे रॉयल फ्लैग बना के यहाँ होस्ट किया। आज एक ही झंडा यहाँ लगा हुआ है। इसका कारण है कि सवाई जय सिंह सेकेंड जयपुर के जो राजा हैं, जो मतलब अभी जो जयपुर के प्रेजेंट किंग है सवाई पद्मनाभ सिंह जी, जो अभी जयपुर के राजा हैं 24 ईयर्स ओल्ड, वो अभी जयपुर सिटी के अंदर नहीं है। अगर यहाँ पे होते हैं तो यही बड़ा फ्लैग का 1/4 झंडा, मतलब वही 5 कलर का 1/4 फ्लैग, जैसे ये 5 कलर फ्लैग है, इसी का 1/4 फ्लैग और ऊपर होस्ट हो जाता है, जो पूरे सोसाइटी को एक सिग्नल देता है कि जयपुर के राजा अभी शहर में है। आज एक ही झंडा है। जो जयपुर के राजा हैं अभी वो पोलो खेलने के लिए गए हुए हैं, इंटरनेशनल पोलो मैच, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो इस वजह से राजा यहाँ पे नहीं है, अब्रॉड है, बाहर गए हुए हैं। और यहाँ पे अभी 5 मेंबर्स रहते हैं, वह अभी 4 मेंबर्स अभी यहाँ पे महल में हैं। यस, सवाई जय सिंह जी की रानी का नाम था चंद्रा, तो उन्होंने अपनी रानी के नाम से इस महल को नाम दिया चंद्र महल। जो 7 मंजिला ज़मीन की, जितना ये महल ऊँचा है उतना ही ये 7 मंजिला ज़मीन के नीचे बना हुआ है, क्या विश्वास कर सकते हैं आप। और दो बहुत अनोखे कंस्ट्रक्शन है जयपुर के अंदर। एक तो ये चंद्र महल, जितना 7 मंजिला ज़मीन के ऊंचा उतना 7 मंजिला ज़मीन के नीचे है। और हवा महल, जो ज़मीन पे 5 मंजिला बना हुआ है बिना किसी फाउंडेशन के। यस, ये बहुत बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ये बिल्कुल डीप उसमें लिखा हुआ है, तो इसमें क्योंकि सर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं पूरा बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे 7 स्टोरी मॉन्यूमेंट, आप बिलीव करेंगे सर, उस टाइम पे कोई RCC कोई कुछ नहीं, फिर भी 7 स्टोरी इसको बनाया। तो ये राजस्थान की 300 ईयर्स बैक, ये राजस्थान के सबसे मतलब पहले जो फर्स्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में से इसका नाम आता है, चंद्र महल, जो राजा ने बनाया। एक पिक्चर आप सब यहाँ लेना चाहें तो मैं क्लिक कर दूंगा। देश विदेश के बड़े राजा महाराजा या कोई भी इंपॉर्टेंट गेस्ट आते थे, उनके साथ यहाँ बीच में प्राइवेट मीटिंग्स ली जाती थी। पहले के टाइम पीरियड में बिजली नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए इसको चारों तरफ से ओपन रखा गया है, और इसके 4 कॉर्नर्स को 4 रूम से ब्लॉक किया गया है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बन सके, इसलिए यहाँ पे ठंडक है। दूसरी चीज़, इसमें खूब सारे मार्बल फिट किए गए, और ये पूरा लाइमस्टोन्स का बना हुआ है, तो इस वजह से ये ठंडा ही रहता है। इसी के अंदर हमारे यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का वेजल है, जिसका नाम आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर है। जयपुर के 9th महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड, वो राजा इतने धार्मिक थे कि राजा केवल गंगा जल पिया करते थे, केवल गंगा वाटर, अपनी लाइफ में कभी दूसरा पानी नहीं पिया। तो 1902 में इंग्लैंड के एक राजा एडवर्ड 7th, उन राजा का रास्ते लगता, तो उन राजा ने जयपुर के राजा को इन्वाइट किया, स्पेशल इन्विटेशन भेजा। जब वो वहाँ गए, वो इन्विटेशन आया, अब राजा बोले मेरे को तो वहाँ जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे उस टाइम पीरियड में इतनी अच्छी एयर फैसिलिटी थी नहीं, बाय शिप जाना था, और सफ़र बहुत लंबा था, और ज़्यादा पानी ले जाने की ज़रूरत थी क्योंकि महीनों लगे वहाँ पहुँचने में, वापस आने में। तो राजा ने क्या किया, दुनिया के 2 सबसे बड़े ये चांदी के वेजल्स बनवाए,
इसमें गंगा जल भरे और बाई शिप इंग्लैंड ले गए। जब इंग्लैंड गए तो पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े से बड़ा सा बड़ा राजा, बड़ा से बड़ा गेस्ट वहाँ पे था, वो इंडिया की बात कर रहे थे कि भारत से कोई राजा है इतना बड़ा वेजल लेके इसमें लेके क्या आ गए, केवल पानी लेके गए गंगा जल। तो सब ये बोल रहे राजा की वाटर बॉटल्स, द वर्ल्ड बिगेस्ट वाटर बॉटल्स ऑफ महाराजा। सिल्पन क्या करते थे वो, मतलब इस गांवों में राज किया करते थे, जो जो जैसे किसी को 52 गांव की मिली, किसी को 100 गांव की मिली, किसी को 50 गांव की मिली, तो वो क्या करेंगे उन जनता से टैक्स कलेक्ट करेंगे, कुछ परसेंटेज अपने पास रखेंगे और फिर राजा को ट्रांसफ़र करेंगे आगे। तो राजा का ऐसा पूरा वो टैक्स सिस्टम भी वो करते थे। तो पहले ये गायत्री देवी जी है ना? नहीं नहीं सर, गायत्री देवी जी का निधन हो चुका है 2009 में। यस, हमारे जो प्रीवियस किंग थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, तो उनके जो पोते हैं वो सब वहीं रहे, जयमहल पैलेस है। तो ये थे जिनकी थर्ड क्वीन थी महारानी गायत्री देवी जी, सवाई मान सिंह से। हर चीज बड़ी बड़े बड़े जो कोर्ट्स हैं वो वहां है जयगढ़ में, आपने देखे हो, आप पीछे महल तक गए थे। और ये डांसिंग हॉल है, वैसे इस जगह का नाम है प्रीतम निवास, प्रियतम क्लोज वन। सो राजा इनको इनवाइट किया करते थे यहाँ पे, जो बड़े ये पीछे, आपके पीछे जो पर्दे लगे हुए ये बड़ा कॉरिडोर है यहाँ पे, यहाँ पे गेस्टों के साथ में राजा का अरेंजमेंट लगता था और डांस देखा करते थे पैलेस के व्यू के साथ में। यहाँ पे ऊपर भगवान शिव जी का मंदिर है जो साल में एक दिन महाशिवरात्रि के दिन विजिटर्स के लिए ओपन होता है, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं। तो 4 गेट्स है, 1, 2, 3 और 4, ये भगवान शिव जी के फैमिली मेम्बर्स 4 हैं और सीजन भी 4 है, तो 4 सीजन 4 गेट्स। पहला गेट है भगवान श्री गणेश जी का जिसमें लहरों की डिज़ाइन बनी हुई है, वेव्स गेट, इन स्प्रिंग सीजन में ओपन किया जाता था। दूसरा गेट है भगवान शिव जी का रोज़ फ्लावर का रोज़ गेट, इन्हें विंटर सीजन में, इनके जस्ट सामने माता पार्वती जी का लोटस गेट, इन्हें समर सीजन में, और डांसिंग पिकॉक गेट बिलोंग्स टू गॉड कार्तिकेय जी जिन्हें मानसून सीजन बारिश में ओपन किया जाता था। अब परमानेंट एक ही गेट ओपन कर रखा है क्योंकि इन गेट्स के पीछे रॉयल फैमिली वहाँ रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा प्राइवेसी की वजह से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। वही वाला गेट ओपन जिस पिकॉक गेट से आए थे, तो वहाँ पे भी हम एक पिक्चर लेंगे, वो गेट इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सोलो सोलो पिक्चर आप वहाँ पे लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर लेना हो, निकले 7 दरवाजे बने, आठवां दरवाजा पे राजा ने ट्रैफिक को देखते हुए न्यू गेट बनाया जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के उधर जाता है। तो टोटल 8 दरवाजे हैं, तो पहले वो 4 दीवारी बनाई ताकि फिर अगर आप अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जंगली जानवर आप पे अटैक ना करते, क्योंकि पहले सब फॉरेस्ट ही था यहाँ पे, फिर उसके बाद में फिर इसको बनाना स्टार्ट किया, तो इसको बनने में लगभग 10 साल के आसपास का टाइम लगा। ये फास्ट बना हुआ। तो राजा ने तो पूरी फास्ट तरीके से इसको काम कर चलाया था, क्योंकि सबसे अच्छी चीज सबसे ये गैलरी है सर, ये रूम नहीं है सर, ये गैलरी है। रूम्स वगैरह तो इधर है, और इधर ये वाला जो पार्ट है ये जनाना महल कहलाता है। इधर 200-300 मीटर तक रूम ही रूम बने हुए हैं जहाँ पे क्वींस उनके अटेंडेंट्स वहाँ रहते थे, राजा हेड क्वीन यहाँ पे रहते थे अंदर। जैसे पहाड़ी है, पहाड़ी वगैरह जो इलाके है ना सर, वहाँ पे तो क्या है कि वहाँ पे आप चट्टाने काटोगे फिर उसको बनाओगे तो उसमें टाइम लगता था, ये फ्लैट पूरा ये इस पर लैंड पे। तो एक आपका भी ले, वो तो सर इसके बाद फिर हम अभी कहाँ जाएंगे? इसके बाद में हम मुबारक महल की तरफ जाएंगे। जयपुर रॉयल फैमिली को गिफ्ट में आया जिसमें आप ड्रैगन स्नेक्स का वर्क देख सकते हैं विद बोधिज्म आर्ट। नेपाल, नेपाल बॉर्डर टच करता है चाइना से, तो थोड़ा चाइनीज इन्फ्लुएंसेस पे है। वैसे ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है नेपाल लिखा हुआ भी, सवाई माधो सिंह सेकंड।
इनसे पहले ये राजा थे सवाई राम सिंह सेकंड जयपुर के एट किंग, जिन राजा ने जयपुर को पिंक कलर कराया था 1876 में, द प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड यहाँ पे आए थे, उनका वेलकम है, जयपुर को पिंक कलर कराया। द प्रिंस ऑफ वेल्स जब इंग्लैंड गए, जब उनका राजतिलक की टाइम आई 1902 में, तब तक तो ये शांत हो गए थे, इनका निधन हो गया था। जब सवाई माधो सिंह सेकंड को उन्होंने इन्वाइट किया इन्विटेशन, फिर किंग जब बने उनका टाइटल चेंज हो गया, एडवर्ड सेवंथ हो गया। तो एडवर्ड सेवंथ पहले यहाँ पे आए थे, फिर बाद में फिर उनको उधर इन्वाइट किया। बाकी सवाई ईश्वरी सिंह जी, सॉरी सवाई जगत सिंह जी जयपुर के 6th नंबर के रूलर हुए। इन राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ट्रीटी को साइन किया, इनके टाइम पीरियड में ब्रिटिश रूल आया था। ये हो गए सवाई ईश्वरी सिंह जी जयपुर के सेकंड किंग, और ये जयपुर के फाउंडर सवाई जय सिंह सेकंड। इन राजा ने जयपुर में नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट को कंप्लीट किया, और इन राजा ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई जो आपने जयगढ़ फोर्ट में भी देखी थी। इन्हीं राजा ने अपना कैपिटल आमेर से जयपुर में शिफ्ट किया, और भारत में 5 जगह जंतर मंतर बनाए। ये मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट, जिन राजा ने आमेर में शीश महल बनाया था, और ये महाराजा भाऊ सिंह जी जो उनके फादर थे सवाई जय सिंह जी। सबसे पहले फूलों से स्वागत किया जाता गैलरीज बनी हुई। तो ये जो गेट है, इस गेट को हम राजेंद्र पोल बोलते हैं, ये राजा का गेट है। जो पहले के टाइम पे राजा, इस हाइट देख सकते हैं इतनी बड़ी है, क्योंकि राजा इस पहले से हाथी पे क्रॉस किया करते थे एलिफेंट्स के ऊपर। ये एम्प्टी स्पेसेस तो म्यूजिशियंस के लिए हो गए, जब भी क्रॉस करते थे उनको बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता था। ये जो अभी जाली लगा रखी कबूतरों के वजह से, पहले यहाँ ये खुला था, यहाँ से फूलों से स्वागत किया जाता था। इसी के अंदर यहाँ पे एंट्री इधर से आते थे, इधर से आते थे सर। अच्छा, इधर से इधर से पैलेस के अंदर अंदर जाने के लिए। ये तो बाहर के पैलेस का ये सबसे मेन कोर्ट हो गए, पैलेस कोर्ट्स। अच्छा, ये अराउंड 200 इयर्स ओल्ड, 200 साल लगभग, 200 साल पुराना। ब्रास का प्लेटेड है, अंदर लकड़ी है। आप इसके ऊपर काम देखिए, पूरा हाथ से काम किया गया, फ्लावर्स लीफ पेटल्स का। तो ये गवर्नमेंट की लैक मैं खामी मानता हूँ हमेशा इसमें। नहीं, बट ये कैसा ना, यहाँ पे वॉर वगैरह नहीं हुआ ना, तो फिर काफी अच्छा है। यहाँ पे खूब वॉर हुए सर, लेकिन इस सबसे अच्छी चीज यहाँ पे एक ये चीज थी, जितने भी राजा थे उन्होंने हमेशा किसी न किसी मॉन्यूमेंट की मरम्मत करवाते रहे। जैसे आप जलमहल देख लीजिए, सवाई जय सिंह सेकंड के टाइम पीरियड में बना, फिर रेनोवेट सवाई प्रताप सिंह जी ने कराया उसको। तो मतलब इन राजाओं की बहुत अच्छी चीज़ भी थी। उसके बाद में जयपुर तो इस वजह से भी आप ये तरह मेंटेन देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जयपुर जो है टूरिज्म हब है। यहाँ पे जयपुर दिल्ली एंड आगरा गोल्डन ट्रायंगल में आता है, सब इसी को देखते हैं। जो भी इंडिया आता है वो जयपुर जरूर देख के जाता है। तो ये जो चीज़ है, इस कारण भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है जयपुर, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को मेंटेन कर। ये जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मुबारक महल रॉयल गेस्ट हाउस, जो 1900 में सिटी पैलेस में बनाया गया आखिरी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद में यहाँ पे राजा ने कुछ भी नहीं बनाया। ताजमहल देखा आपने, ताजमहल चारों तरफ से एक ही जैसा दिखता है, सिमेट्रिक मॉन्यूमेंट है, कहीं से भी देखिए। वैसे ये भी एक सिमेट्रिक मॉन्यूमेंट है, चारों तरफ से एक जैसा है बना हुआ है। इसको जैसे बंद दरवाजों के ऊपर आप देखें तो मंदिर के फिगर्स बने हुए हैं, हिंदू आर्किटेक्ट। उसके ऊपर आप देख सकते हैं इस्लामिक आर्चेस, अगल बगल में फ्लावर्स हैं, इस्लामिक आर्किटेक्ट। और रूफ़ जो है वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट के तौर पर बना हुआ है। अगर ये रूफ जो है, अगर ये हिंदू आर्किटेक्ट या इस्लामिक आर्किटेक्ट पे होता तो इसमें गुंबद बनी हुई होती, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसको गुंबद का कांसेप्ट तो मुगल का था, मुगल का भी था, और अपने भी छतरियां भी निकलते हैं वहां पे बीच में। तो तुम्ही हे पाठी बगल, तर हे आहे मुबारक महल, आणि आत मध्ये थोडंसं म्युझियम आहे, आणि इकडे सिमेट्रिक बिल्डिंग आहे ही। तर असं हा परिसर आहे, पाटी आहे मुबारक महल। तर नमस्कार मंडळी, आणि वाजलेले आहेत आता 2, आणि आपणही आलेलो आहोत आता इकडे। एक हॉटेल आहे पिंक सिटी हॉटेल म्हणून, तर तिकडे सगळं व्हेज आणि नॉनव्हेज सगळं मिळतं। तर असं हॉटेल आहे, इकडे जो सिटी पॅलेस आहे तिकडनं 1 किलोमीटर लांब आहे। आता आम्ही इकडे जरा खाऊ आणि डायरेक्टली मग हॉटेलला जाऊ, तिकडनं मग एअरपोर्टवरती। नमस्कार मंडळी, आणि आता आपण पोहोचलेलो आहोत
जयपूर एअरपोर्टला आणि आपली इकडची फ्लाईट आहे 5:20 दीड तास लागेल पोचायला. तर हे आहे जयपूरचं एअरपोर्ट. पर्याप्त दूरी बनाए रखें. प्री बुक सेवा अब आरंभ होगी. अगर आपने सीट बदली है तो प्री बुक सेवा के लिए कृपया हमारे विमान कर्मी दल से संपर्क करें. इस उड़ान में जलपान शुल्क के साथ उपलब्ध है. हेलोसिक सी वैक्सीन में से आप उपलब्ध जलपान का चयन कर लें. अब हम आपके लिए विश्व के कोनों कोनों से कुछ स्वादिष्ट व्यंजन ला पाए हैं. ये मनपसंद प्री बुक पकवान हमारे अत्याधुनिक फूड लैब में तैयार करे गए हैं. आपकी पसंद आशी बने आशी परोसे. अपनी अगली इंडिगो उड़ान के लिए अपनी पसंद जरूर प्री बुक करें. धन्यवाद. आप